नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीए में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि सत्र 2023-24 के यू डाइस प्लस में आप किस प्रकार से जो अन्यत्र विद्यालय से आपके विद्यालय में जो शिक्षक साथी आए हुए हैं, चाहे प्रमोशन में हो, चाहे ट्रांसफर पर हो, या फिर किसी अन्य माध्यम से, उनको आप किस प्रकार से अपने विद्यालय में एड कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ब्राउजर ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपको यू डाइस प्लस में आपको ये शिक्षक मॉड्यूल वाले पेज में जाना है। जाने के बाद आपको अपना आईडी और पासवर्ड और एक कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको लॉगिन कर लेनी है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आप अपने विद्यालय के डैशबोर्ड पर चले जाएंगे। तो इस तरह से डैशबोर्ड दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है क्लिक हियर टू ओपन टीचर डीसीएफ टू फिल द डाटा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से पेज दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे शिक्षक सारांश में आपको दिखाई पड़ता है इम्पोर्ट टीचर, टीचर ड्रॉप बॉक्स, निष्क्रिय हटाए गए शिक्षक की सूची, डुप्लीकेट टीचर लिस्ट और रिफ्रेश करेगा। तो यानी आप अपने विद्यालय में अन्यत्र विद्यालय से आए हुए शिक्षक को ऐड करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको ये पहला वाला ऑप्शन दिया गया है इम्पोर्ट टीचर, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इम्पोर्ट टीचर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से पेज दिखाई पड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जानकारी पूछ रहा है कि नेशनल कोड यहाँ पे आपको फिल करना है, साथ ही वहाँ पे आपको उस शिक्षक का डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। उसके बाद फिर आपको गो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ये दोनों जानकारी फिल करने के बाद गो पे क्लिक करेंगे तो उस टीचर से संबंधित जानकारी आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। साथियों, आपको सभी को पता है कि जितने भी शिक्षक साथी हैं जिनका पिछले सत्र यू डाइस प्लस में उनकी जानकारी एंट्री हुई थी, उन सभी को एक नेशनल कोड जारी किया गया है। अब मान लीजिए किसी शिक्षक साथी का आपको नेशनल कोड ज्ञात नहीं है, उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है गेट नेशनल कोड, तो आपको ये गेट नेशनल कोड पे ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट नेशनल कोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे दो जानकारी मांगती है, एक आधार नंबर और दूसरा संबंधित शिक्षक का डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर आपको शिक्षक का आधार नंबर फिल कर देनी है और नीचे में आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है इस तरह से। उसके बाद फिर आपको सर्च पे क्लिक करना है। करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने शिक्षक का जो नेशनल कोड है आपको मालूम पड़ जाता है। तो साथियों, वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से किसी भी शिक्षक साथी का नेशनल कोड ज्ञात कर सकते हैं। फिर इस नेशनल कोड को आपको कॉपी कर लेनी है, यहाँ पे कहीं पर नोट कर लेनी है। उसके बाद फिर आपको ये वाले ऑप्शन में आ जानी है। यहाँ पे आपको शिक्षक का नेशनल कोड फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। उसके बाद फिर आपको गो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने टीचर का नेशनल कोड, डेट ऑफ बर्थ फिल कर लिया और जैसे ही हम गो पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने उस शिक्षक से संबंधित जानकारी नीचे डिस्प्ले हो जाती है। तो जैसे ही हम गो पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार हमारे सामने शिक्षक से संबंधित जानकारी हमारे सामने डिस्प्ले हो जाती है। यहाँ पे नेशनल कोड, यहाँ पे टीचर का नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिलीविंग यहाँ पे हमको दिखाई पड़ जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको रिमार्क्स कहा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको रिमार्क्स फिल कर देनी है इस प्रकार से इंग्लिश में कि एड इन टीचर इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट स्कूल, यानी कि वर्तमान स्कूल में शिक्षक ने किस दिनांक को ज्वाइनिंग किया हुआ है, उस दिनांक को यहाँ पे आपको फिल करनी है। तो इस तरह से डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट स्कूल में फिल करने के बाद यहाँ पे नियुक्ति के प्रकार दिया गया है। तो यहाँ से आपको नियुक्ति के प्रकृति चुन लेना है कि रेगुलर है, कि कॉन्ट्रैक्ट है, कि गेस्ट है या फिर फैकल्टी टीचर है इस प्रकार से। उसके बाद फिर आपको ये इम्पोर्ट टीचर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इम्पोर्ट टीचर पे क्लिक करते हैं तो ये आपसे परमिशन मांगता है कि डू यू वांट टू रिस्टोर टीचर, तो आपको ये रिस्टोर टीचर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिस्टोर टीचर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से पेज दिखाई पड़ जाता है। अब यहाँ पर देखिए रिस्ट टीचर को हमने यहाँ पे ऐड किया है, उसकी जानकारी यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर जो अपडेट करे वाला सेक्शन दिखाई पड़ रहा है, इसमें जा करके आपको बारी बारी से उनका ये सामान्य प्रोफाइल अपडेट कर देनी है। इस प्रकार से यहाँ पे जिस शिक्षक को अभी आपने इम्पोर्ट किया हुआ है, ऐड किया हुआ है, उनकी लिस्टिंग यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाती है। उसकी डिटेल आपको एक बार जाँच कर लेनी है। जाँच करने के बाद फिर से आपको ये अपडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करते हैं तो उसका सेकंड ऑप्शन ओपन हो जाता है नियुक्ति और शिक्षण वाला। यहाँ पर भी आपको जानकारी देख लेनी है कि जो भी जानकारी यहाँ पे फिल है वह सही है कि नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ जाता है कहीं पर कुछ चेंज करना है, यहाँ पे तो आप रीड करके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको ये अपडेट वाले सेक्शन पे फिर से क्लिक कर देनी है तो जानकारी क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी इस प्रकार से। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है प्रशिक्षण व अन्य से संबंधित जानकारी यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो भी भाषा है यहाँ से आपको इस प्रकार से
चेंज कर लेनी है इस तरह से, जो भी जानकारी यहाँ पे आपको अपडेट करनी है। उसके बाद फिर से आपको नीचे स्क्रॉल करके आ जानी है, अब उसके बाद फिर से आपको ये अपडेट करे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट करे पे क्लिक करते हैं तो शिक्षक से संबंधित जो भी जानकारी है वह सफलतापूर्वक अपडेट हो जाती है और आपका ये जो सेक्शन जो था आपका रेड कलर था वह ग्रीन कलर हो जाएगा और यहाँ पे आपको पूरा हुआ दिखाई पड़ जाता है। साथ ही यहाँ पे आपको किस दिनांक को ये अपडेट किया है यह भी आपको दिखाई पड़ जाता है। व्यू पे क्लिक करके आप शिक्षक से संबंधित जानकारी भी एक बार सरसरी तौर पर देख सकते हैं कि जो भी जानकारी आपने अपडेट की है वह सही है कि नहीं है। यदि कुछ आपको लगता है कि कुछ त्रुटि है तो फिर से आप जा करके उस सेक्शन पे उसको अपडेट कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से अपने विद्यालय में जो अन्यत्र विद्यालय से आपके यहाँ शिक्षक आए हैं, चाहे किसी भी माध्यम से आए हो या प्रमोशन में आया हो या फिर ट्रांसफर में आया हो, उनको आप आसानी से ऐड कर पाएंगे, उनको इम्पोर्ट कर पाएंगे, उसके साथ उनकी जानकारी को आप अपडेट कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।